हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चने की दाल वाले भरवा करेले। चने की दाल भरकर करेले बनाए हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो करेलों को छील लिया और इसके अंदर से बीज निकाल लिए। चीरा लगाकर ऐसे ये करेले तैयार हैं। इसे नमक के पानी में आधा घंटा भिगोकर निकाल लिए। सारी कड़वाहट निकल जाती है नमक के पानी से और हमने इसको निचोड़ लिया है। यहाँ पर हमने 2 गिलास चने की दाल को 4-6 घंटे भिगो दिया है। 10 प्याजे लेकर हमें इनको छील कर काट लिया है, बारीक बारीक काटी हैं। 10 प्याजे हैं। इन प्याजों को हमने खूब खोल लिया है। अब इसमें हमने वो 2 गिलास भीगी हुई दाल डाली है। चने की दाल भिगोने से गल जल्दी जाएगी। ये दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 2 बड़े चम्मच, क्योंकि ये पककर काफ़ी बन जाएगा। 10 प्याजे हैं, 2 गिलास दाल है, 250 ग्राम करेले हैं, तो 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन, 4 चम्मच सौंफ डाली हमने, छोटे 4 चम्मच सौंफ। इन करेलों का मज़ा कुछ कुछ अचार जैसा होता है। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, जीरा डाला है। 1/4 चम्मच हमने कलौंची डाली है। 1/4 चम्मच ही मेथी दाना डाला है, सूखा मेथी दाना जो होता है। दो चम्मच हल्दी पाउडर डाला, 2 ही चम्मच मिर्च पाउडर डाला है, 1.5 चम्मच नमक डाला है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हल्दी इसमें 2 चम्मच ही डलती, ज़रा ज़्यादा डलेगी तभी इसका कलर सही होगा। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल इसमें डाला है। सरसों के तेल से बहुत मज़े का बनता है। इसको अच्छी तरह से मिला लें ताकि प्याज खुल जाए सारी। जो हमने बीज निकाल कर करेले रखे थे नमक के पानी में डुबो कर, उन्हें जब निकाल लिया था उन्हीं में हम इसको भरेंगे। अच्छी तरह से इसे भरें और फिर इसको एक धागे से बांध देंगे ताकि निकले ना ये। आप भरना नहीं चाहते हैं तो गोल गोल करेले काट कर भी बना सकते हैं। ये करेले बना कर रख लेते हैं, बड़ा आराम रहता है इन्हें। जब चाहिए तो फ्राई करें खा लें, 8-10 दिन ये खूब आराम से चल जाते हैं। फ्रिज में रख दीजिए, 15 दिन में तक चल जाते हैं। अच्छी तरह से इनको अंदर कर कर के धागे में बंद कर दीजिए ताकि निकले ना ये करेले से। ये करेले बहुत मज़े के बनते हैं। ऐसे ही हम सारे करेलों को भर लेंगे। थोड़ी प्याज और थोड़े सी दाल लेकर, ना बहुत ज़्यादा प्याज और ना बहुत ज़्यादा दाल, दोनों को मिलाकर भरा है हमने। थोड़ी प्याज थोड़ी दाल लेकर अब इनको धागे से बांध लेंगे। इनको बनाकर 15 दिन रखकर खा लेंगे तो भी कुछ ख़राब नहीं होती हैं। मैंने 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर
थोड़ों में डाला, क्योंकि थोड़े हमारे यहाँ बिना खटाई के खाए जाते हैं, कुछ लोग खटाई कर नहीं खाते हैं, तो उस चक्कर में मैंने थोड़े करेले बिना खटाई वाले भरे हैं और थोड़े मैं खटाई डालकर भर रही हूँ। तो 2 चम्मच या छोटे 2 चम्मच डालिए या 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर डाल दीजिए, इमली हो तो इमली डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच, अमिया हो तो अमिया डाल। और इसमें हमने 1.5 लीटर पानी डालकर इसको पकने रख दिया। इसको हम हल्की आंच पर 1-1.5 घंटा पकाएंगे कि दाल भी गल जाए और करेले भी गल जाए, प्याज भी मैश हो जाए। ये देखिए दाल पूरी तरह से गल गई है, इतना मैंने इसे पकाया है। इसमें 1.5 लीटर से भी ज़्यादा पानी चला गया था पकाने में। अब हम इसको चाहे तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, चाहे फ्राई करके करें। दाल हमारी पूरी तरह से पक गई थी, अब हमने 2 बड़े चम्मच तेल लेकर इन करेलों को फ्राई करना है। अगर आप रखना चाहते हैं तो फ्रिज में इसको ऐसे ही उबले हुए रख दीजिए, जब आपको ज़रूरत हो तब फ्राई करके खा लें। फ्राई करने से बिल्कुल ताज़े से हो जाते हैं और बिल्कुल लगते मुलायम, सॉफ्ट और कुरकुरे तले हुए, बहुत मज़े के लगते हैं। आप इन रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे करेले तैयार हैं, इन्हें ऐसे सुनहरा होने तक तला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।